तो आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बातचीत करेंगे एक्सेल की सेटिंग के बारे में। ये हमारी एडवांस एक्सेल विद वर्किंग प्रोफेशनल वाली क्लास की ये हमारी दूसरी वीडियो है, दूसरी क्लासेज है। और इन दूसरी क्लासेज में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम एक्सेल की सेटिंग चेंज करते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल उठता है कि हम पहली या दूसरी क्लास में एक्सेल की सेटिंग क्यों चेंज कर रहे हैं। तो इसका जवाब ये है कि जब भी हम कोई नई चीज लेते हैं तो उसकी सेटिंग अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं। बाय डिफॉल्ट तो सेट होता ही होता है, बट क्या है कि हम उसको अपने अकॉर्डिंग भी सेट करते हैं। जैसे कि हम एक नया सेलफोन ही परचेज करते हैं तो उसकी वॉलपेपर, उसका रिंगटोन हम अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं। डिफॉल्ट तो सेटिंग होता ही है, फिर भी उसकी सेटिंग हम अपने हिसाब से करते हैं। तो सेम चीज यहाँ भी होता है कि अगर हम एक्सेल में किसी तरह की सेटिंग चेंज करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, कुछ ऐसे सेटिंग्स हैं जो कि हमें काफी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ऐसी सेटिंग को आज हम सेट करना या चेंज करना अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो चलिए मैं कंप्यूटर स्क्रीन आप लोगों को देता हूँ और बताता हूँ कि कैसे हम किस किस सेटिंग को चेंज करेंगे तो क्या बेनिफिट मिलेगा हमें। तो हमने यहाँ एक्सेल को लिया है, एक्सेल की जो सेटिंग होती है हमारी फाइल मेनू बार में होती है। तो यहाँ फाइल में आते हैं और एक्सेल ऑप्शन में चले जाते हैं। तो सेटिंग की कई कैटेगरी होगी, अभी आ गए स्क्रीन आपके पास। हाँ, इसमें कई कैटेगरी है। सबसे पहला है जनरल। तो अब यहाँ पे इसे ध्यान रखिएगा कि मैं आपको हर एक सेटिंग नहीं बताऊंगा, जो सेटिंग से हमें बेनिफिट है उसी सेटिंग के बारे में हम आपके साथ करेंगे। जैसे कि लाइव प्रीव्यू, क्या होता है कि जब कभी कभी आप कलर वगैरह अप्लाई करते हैं तो जैसे ही आप कलर पे सिलेक्ट करते हैं ऑटोमेटिकली वो कलर चेंज अप्लाई हो जाता है और एक प्रीव्यू आपको दिखा देता है। ये लाइव प्रीव्यू क्यों कहा जाता है। और भी जगहों पे फॉर्मेटिंग की लाइव प्रीव्यू हो जाती है। तो एक्सेल ऑप्शन में हम यहां इससे होता है, अगर किसी ने इसको अनचेक कर दिया तो प्रीव्यू नहीं दिखेगा। तो कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम होती है। दूसरा, हमने कल बताया था आपको कि जैसे हम माउस पॉइंटर ले जाते हैं तो मुझे इस पे क्या है स्क्रीन, एक स्क्रीन आ जाती है, स्क्रीन टिप आ जाती है, एक इंफॉर्मेशन आ जाती है। लेकिन क्या है, कभी कभी जब हम इंटरव्यू लेने के लिए जाते हैं, जब हम कभी कभी इंटरव्यू लेते हैं तो एक चीजें हम चाहते हैं कि ना हो, क्योंकि हमें हम मैं खुद की बात कर रहा हूँ कि मैं चाहता था कि कोई भी पर्सन तुक्का ना लगा सके, ऐसी अंदाजा ना लगा सके। तो उस केस में हम लोग क्या करते थे कि इसकी प्रीव्यू आपका डिसेबल कर देते थे। दूसरी, अब दूसरी जगहों पे और भी होती है, जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि टेस्टिंग का काम करते हैं। टेस्टिंग क्या होता है, रिपोर्ट जब हम लोग रिपोर्ट को ऑटोमेट करते हैं तो हर एंगल से चेक करते हैं कि इसमें कोई एरर तो नहीं। तो जब उनको एरर आता है तो वो उसकी स्क्रीनशॉट लेके मेल करते हैं कि भाई इस सिचुएशन में ये एरर आया। या फिर मान लीजिए किसी ने आपको डेटा भेजा हुआ है तो आप उसको बोलोगे यार मुझे एक कविता का 16 अक्टूबर का जो डेटा है ना वो गलत बुझा रहा है, तो उसको कभी दिक्कत होगी। लेकिन वही चीज की आप स्क्रीनशॉट इसको हाईलाइट करेंगे, हाईलाइट करके स्क्रीनशॉट लेके भेजेंगे तो समझ जाएगा कि ये हमारा एक कॉलम की 65 नंबर रो की बात हो रही है। तो स्क्रीन शॉट लेते समय कभी कभी क्या होता है कि कर्सर अगर चला जाता है तो वो चीज़ आ जाती है। जैसे मान लीजिए कर्सर चला गया तो इसकी स्क्रीन टिप आ जाती है तो पता नहीं चलता कि कौन सा कॉलम है, फिर दोबारा लेना पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्या होता है कि एक्सेल ऑप्शन में यहाँ आपके सामने दिखेगा डोंट शो स्क्रीन टिप, आप कर दीजिए आपका हट जाएगा। दूसरी चीज यहाँ पे आता है व्हेन दे क्रिएटिंग द नई वर्कबुक, जब भी नया फाइल आप क्रिएट करते हैं तो इसका डिफॉल्ट फॉन्ट, डिफॉल्ट फॉन्ट की साइज, डिफॉल्ट व्यू ऑन और थ्री शीट, वन या थ्री शीट इंक्लूडेड होते हैं, आप उसको चेंज कर सकते हैं। अब क्यों चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एरियल कर रखा है, आपके सिस्टम में कलवेरी हो सकता है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि हम जो है हमेशा एक ही फॉर्मेट, एक ही सॉफ्टवेयर को यूज नहीं करना चाहते। कि जो हम फॉन्ट है हम एक ही फॉन्ट को यूज नहीं करते, अलग अलग फॉन्ट को यूज करते हैं। अब कुछ लोग कैलिवरी यूज करते हैं, कुछ लोग एरियल यूज करते हैं, कुछ लोग कुछ और यूज करते हैं।
तो वहां पे आप जो है दिक्कत हुआ कि हर बार आपको फॉन्ट चेंज करना पड़ेगा। तो क्यों ना आप जो फॉन्ट यूज करते हो उसी को डिफॉल्ट फॉन्ट बना दिया जाए। तो एक चीज इसी चीज के लिए है कि आप इसकी डिफॉल्ट फॉन्ट बना सकते हो। अब इसमें एक ये हो गया। अब इसमें एक चीज और आती है कि इसका यूज कहाँ पर हो सकता है। देखिए मैं एक बार यूपी के सिंचाई विभाग में गया था ट्रेनिंग देने के लिए, तो हमारी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग थी, तो मैं ट्रेनिंग देने उनके ऑफिस में विजिट किया था, उनके स्टाफ को ट्रेनिंग देना था। तो उनकी एक प्रॉब्लम थी, मैंने पूछा कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत एक्सपो में क्या होती है। सबने एक साथ बोला कि मुझे हिंदी डाइविंग करने में दिक्कत होती है। मैंने ऐसा क्यों? तुझे बताया कि हमारा जो 80-90% काम हिंदी में होता है। हम जो भी चार्ट निकालते हैं, जो भी शेड्यूल निकालते हैं, वो प्रिंट आउट निकालते हैं, वो मोस्टली हिंदी में ही होता है। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि हमें हर एक सेल पे जाके अपनी हिंदी फॉन्ट चेंज करना होता है टाइपिंग करने के बाद। जाहिर सी बात है कि हर एक सेल का फॉन्ट अलग अलग होता है यहाँ पे। तो मैंने बोला कि आप अपनी डिफॉल्ट फॉन्ट हिंदी कर लीजिए, आपके एक्सेल की हर डिफॉल्ट टाइपिंग हिंदी में ही होगी, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। दूसरा ऑथर नेम, कल हमने आपको समझाया था कि किसी भी फाइल की इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर जस्ट कर्सर रखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि फाइल को किसने बनाया है, ठीक है, ऑथर। तो जैसे कभी कभी क्या होता है कि आप साथ आप बॉस को भी फाइल बना के भेजना चाहते हो, बॉस जो है वो बीपी को या फिर सीईओ को भेजेगा, वो सीईओ को भेजेगा, तो आप चाहते हैं कि उसको पता चले कि फाइल को मैंने बनाया है, मतलब कि फाइल को बनाया है, आपका नाम आना चाहिए फाइल की प्रॉपर्टी के ऑथर में, तो आप यहां से नाम डाल सकते हैं। ऐसे आपका डिफॉल्ट लॉगिन आ जाता है, जैसे कि आप लोग लॉगिन करते समय जो आपकी लॉगिन आईडी होती है वो डिफॉल्ट इसमें आ जाता है। तो अब बात यहां पे आती है कि अगर आपकी डिफॉल्ट लॉगिन आ जाता है तो किसको चेंज करें। तो क्या होता है कि ऑफिस में कई बार डिफॉल्ट लॉगिन जो होता है यूजर वन एडमिन वन ऐसे होता है, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। दूसरा ऑफिस का जो ये थीम आपको दिख रहा है, थीम में जब हमने डार्क ग्रे करके ओके कर दिया तो ये आपका डार्क ग्रे थीम हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे गया एक ऑप्शन में और ऑफिस का थीम अगर हमने व्हाइट कर दिया तो व्हाइट ब्लैक कर दिया तो ब्लैक हो जाएगा, लेकिन नॉर्मल कलर कलरफुल होता है, यहाँ से आप चेंज कर। तो एक्सेल ऑप्शन में हमने बात कर ली किसकी, जनरल की। अब बात करते हैं फॉर्मूला की। तो फॉर्मूला में सबसे पहले जैसे ये आपका दिख रहा है एबीसीडी, तो इसको अगर आर वन सी वन पे क्लिक कर दोगे तो ये आपका 1-2-3 हो जाएगा, मतलब सॉरी मतलब कि आपका ए नंबर्स में रो भी होगा और नंबर कॉलम भी होगा, और जहाँ A1 होता था ना सर वहां पे होगा R1 C1। देखिए R1 C1, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 2, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 3, रो नंबर 8 कॉलम नंबर 3, इस तरह से रेफरेंसिंग सिस्टम चलता है। तो इसको वापस हम चेंज कर लेते। दूसरा एक चीज और आती है, जैसे कि मान लीजिए कभी भी फॉर्मूला में या टाइपिंग करते समय कोई आपने ऐसा कुछ गलत लिखा या फॉर्मूला में एरर आया, तो यहाँ पे आपका एक स्क्रीन शॉट नोट रखा है क्या, स्क्रीन पिक्स आता है, नहीं आ रहा है, एक नया फाइल लेता हूँ। चेक एरर बता रहा है ना, यहाँ पे एरर। तो एरर में क्या होता है, इग्नोर एरर करेंगे तो एरर उसको एरर शो कर रहा है, अब दिख गया एरर। इस तरह का सिंगल कोड आपको देखे इससे कर्सर रखते हैं आपको दिखाएगा कन्वर्ट आएगा, क्या आ जाता है कुछ बगुल पता नहीं क्यों नहीं आ रहा था। तो यहां से आप इग्नोर एरर कर सकते हैं। अब चाहते हैं कि इस तरह का एरर सिस्टम में आए ही ना, तो आप क्या कर सकते हैं एक्सेल ऑप्शन में यहाँ पे फॉर्मूला में इसको अनचेक कर सकते हैं। उसके बाद डेटा कोई खास नहीं है,
प्रूफिंग में आते हैं, प्रूफिंग में आपको दिखेगा ऑटो करेक्ट ऑप्शन। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमें कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप ऑटो परेशान, जब आप जो कभी कभी हमें प्रॉब्लम आती है कि जब हम कोई एक बड़ा सा वर्ड लिखते हैं, बार बार वर्ड को लिखना हो तो कभी कभी हमारी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है या हम टाइप नहीं करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ बना रखा है शॉर्टकट, जैसे मैं एक्सेल शीट पे जाऊँगा, डेली सेल्स रिपोर्ट पे क्लिक कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा यहाँ पे रिलेटेड, मतलब कि मैं डीएस टाइप करूँगा और डीएस टाइप करके मैं स्पेस दूंगा तो यहाँ पे डेली सेल्स रिपोर्ट आएगा, एमएस क्लिक कर दूंगा तो मंथली सेल्स रिपोर्ट आएगा। इस तरह सेंटेंस से आपका जो बार बार आप टाइप करते हैं तो प्रोसिंग में जाके आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखिए जो शॉर्टकट है और यहाँ पे लिखिए जो आप करना चाहते हैं, देन ऐड कर दीजिए, तो इसका यूज आप कर सकते हैं। दूसरा, कभी कभी क्या होता है कि एक्सेल में डेटाबेस आप बनाते हैं और आप ईमेल आईडी लिखते हैं, आईपीपी, मैंने लिखा IPPIndia.com, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस करते ये हाइपर ब्लू हो जाता है, इसका हाइपर लिंक लग जाता है। अब मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ तो देखिए अब मुझे कहीं पे सिलेक्ट करना है तो क्लिक हो जा रहा है, तो मुझे इसकी हाइपर लिंक सेलेक्ट करके यहाँ से रिमूव करना हो, नहीं यहाँ से नहीं, यहाँ होम मेनू बार में होता है, यहाँ जाके क्लियर रिमूव हाइपर या राइट क्लिक करके भी हो जाता है रिमूव हाइपर। तो मैं चाहता हूँ कि हाइपर लिंक लगे ही ना, तो कैसे होगा, एक्सेल ऑप्शन में जाइए, प्रूफिंग में जाइए, ऑटो करेक्ट में जाइए और यहाँ आप दिखेगा ऑटो फॉर्मेट वैल्यू टाइप, इसको अनचेक करें। उसके बाद हम बात करते हैं सेव, सेव में अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप कंट्रोल एस करते हैं तो यहाँ पे मैं तो दो चीजें हैं, एक तो आपका आता है कि डिफॉल्ट लोकेशन माई डॉक्यूमेंट आता है और दूसरा एक्सेल माइक्रो एनेबल वर्क बुक यहाँ पे दिख रहा है आपको, लेकिन यहाँ पे आपका एक्सेल वर्क बुक डिफॉल्ट सेलेक्ट हो रहा है। तो याद रखिएगा एक्सेल वर्क बुक में अगर फाइल को सेव करते हैं तो फाइल आपका माइक्रो डिसेबल फाइल होगा। कल मैंने इसके बारे में समझाया था आपको कि मैक्रो जिसमें कोडिंग है, आपने मैक्रो रिकॉर्ड किया हुआ या कोड किया हुआ है वो फाइल एक्सेल वर्कबुक में सेव नहीं होगा। अगर आप सेव करते हैं तो सारा का सारा कोड रिमूव हो जाएगा। तो आपको जो है यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना होगा, माइक्रो अनेबल वर्कबुक। लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम भूल जाते हैं सिलेक्ट करना। अभी तो फिलहाल आप मैक्रो पे काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ महीने बाद जब आपकी मैक्रो वाली कोड क्लासेस चलेगी तो आपको अपने फाइल को मैक्रो अनेबल वर्कबुक में सेव करना होगा। अगर आपने उस समय भूल गए, आपसे गलती हो गई तो क्या प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम ये होगा कि आपके सारी मैक्रो डिलीट हो जाएगी। तो जो अब यहाँ पे मैंने भी बताया था आपको लास्ट क्लास में कि नॉर्मल फाइल को भी, नॉर्मल डेटा को भी मैक्रो अनेबल में सेव करने से कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सेव कर सकते हैं। तो क्यों ना मैं अपने डिफॉल्ट सेटिंग में एक्सेल अनेबल वर्कबुक ही कर दूं जो कि मेरा ऑलरेडी है। वो कहाँ से होगा, ऑप्शन से होगा। ऑप्शन में अगर आपने गए सेट पे और यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया माइक्रो अनेबल वर्कबुक, तो क्या होगा कि जब भी आप कंट्रोल एस करेंगे ऑटोमेटिकली सेव एज टाइप पे वहां माइक्रो अनेबल वर्कबुक सिलेक्टेड होगा। दूसरा आता है डिफॉल्ट सेव लोकेशन, यहाँ डॉक्यूमेंट है इसको चेंज करके आप डी ड्राइव, सी ड्राइव, जो भी ड्राइव आप ज्यादातर यूज करते हो, ज्यादातर फाइल उसी में सेव होती है, उसको अब यहां से सिलेक्ट कर लो। ठीक है, अब यहां पे आता है ऑटो रिकवर। ऑटो रिकवर क्या होता है कि हर 10 मिनट में, क्योंकि यहां पे डिफॉल्ट 10 मिनट सेव होता है, हर 10 मिनट में आपके जितने भी ओपन फाइल है उस सारे फाइल को एक पर्टिकुलर वर्कबुक, एक पर्टिकुलर लोकेशन में एज ए बैकअप रख लिया जाता है। वो मिलता सब है,
जब आपकी फाइल सिस्टम की प्रॉब्लम के कारण क्लोज हो जाती है बिना अनसेव, जैसे कि सिस्टम हैंग हो गया, सडनली पावर चली गई, तो जब आप नया ऑप्शन ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको रिकवर आ जाता है। आपको देखना है कि पहले वाला रिकवर है या नहीं है तो इस लोकेशन पे देख सकते हैं। तो हर 10 मिनट में आप टाइम पीरियड को घटा और बढ़ा सकते हो, या किसी पर्टिकुलर फाइल को आप ऑटो रिकवर से बाहर कर सकते हो। अब ऑटो रिकवर से बाहर कब करते हैं, जैसे कि आप क्या है फाइलों पे काम कर रहे हो, साथ में आपने एक बहुत बड़ी फाइल जो कि तकरीबन मान लीजिए कि 500 MB का है या 700 MB का फाइल है, उस फाइल को अगर आप उस फाइल को अगर आपने ओपन कर रखा है तो हर 10 मिनट में क्या होगा, हर 10 मिनट में आपकी फाइल बार बार हैंग होगी। जैसे आप कंट्रोल एस करते हैं तो फाइल हैंग होती है ना, ये भी आपकी फाइल हैंग होगी। तो आप उस फाइल को यहां से डिसेबल कर दीजिए, सेलेक्ट कीजिए और यहां पर डिसेबल ऑटो रिकवर। तो सर लैंग्वेज में कोई खास नहीं है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इजी टू एक्सेस में कोई खास नहीं है। एडवांस में चीजें है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैं एंटर प्रेस करता हूं तो मेरा कर्सर डाउन जाता है, यहां से आप अनचेक कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं कि राइट जाए, अप जाए, लेफ्ट जाए, कहां जाना चाहिए, आपका यहां से सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है ए ऑटोमेटिकली इंसर्ट डेसिमल, अगर आपने इससे क्लिक कर दिया तो आप 500 टाइप करेंगे तो सिर्फ 5 टाइप हो जाएगा, जो भी टाइप करेंगे वो 100 से डिवाइड हो जाएगा, दो है तो, अगर 3 कर दिए तो 1000 से, अगर आप 1 किया तो 10 से। एनेबल फिल हैंडल, अगर इसको अनचेक कर दिया तो जो आप इसको कर्सर को पकड़ के नीचे ड्रैग कर देते हैं वो ड्रैगिंग सिस्टम आपका डिसेबल हो जाएगा। उसी तरीके से और भी सेटिंग्स में है, सेटिंग ही है, जैसे आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार, वर्टिकल स्क्रोल बार, जो स्क्रोल बार होता है इस स्क्रोल बार को हटा सकते हैं, सीट का जो टायर है वो सीट की टैब को हटा सकते हैं, यहाँ आपका सीट का जो हेडिंग होता है उसको हटा सकते हैं, सीट को लेफ्ट टू राइट कर सकते हैं, मतलब कि इधर से आ रहा है ना वो इधर से सेट हो जाएगा। अब अगर ट्राई करके देखिएगा, जीरो को शो नहीं करना चाहते हैं, ये चीजें हैं। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट है हमारा कस्टम लिस्ट। कस्टम लिस्ट क्या है देखिए बताता हूँ आपको, जैसे कि मैंने जनवरी लिखा या जैन लिखा और नीचे की तरफ ड्रैग किए तो जनवरी फरवरी आ गया, देन मैं यहाँ पे उसी तरीके से अगर हमने संडे लिखा और नीचे ड्रैग कर दिया तो संडे मंडे आ जाता है, और उसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया मान लीजिए पूजा तो क्या होगा, आपके सिस्टम में पूजा पूजा आएगा बट मेरे सिस्टम में यहाँ पे देखिए पूजा नीडल सविता मोहन आ रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने इसकी लिस्ट क्रिएट कर रखी है। तो कहाँ पे क्रिएट होती है इसकी लिस्ट, एक्सेल ऑप्शन के एडवांस में, एक्सेल ऑप्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ एडवांस दिखेगा, इस एडवांस में आएंगे आप नीचे एडिट कस्टम लिस्ट, यहाँ इस पे क्लिक करके अपने लिस्ट को क्रिएट कर। अब यहाँ पे संडे मंडे सैटरडे संडे बाकी लिस्ट तो प्री डिफाइंड है, बाकी मैंने यहाँ देखिए बना रहे। अगर मान लीजिए आपको टाइप नहीं करना है कहीं एक्सेल से है तो सिलेक्ट करिए और इसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छी चीज है, आगे चल के आपके सॉर्टिंग वगैरह में भी हेल्प करती है। ऐसे मान लीजिए कुछ ऐसे लिस्ट है, सिटी लिस्ट है, क्लाइंट लिस्ट है, प्रोडक्ट लिस्ट है, एरिया लिस्ट है, अपने टीम लिस्ट है, जो लिस्ट बार बार आप कॉपी पेस्ट करते हो या टाइप करते हो उस लिस्ट को आप यहां से क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके बाद आगे चलते हैं हमारा ऑप्शन में कस्टमाइज रिबन,
रिबन मतलब आपका जो ऊपर मेनू बार दिख रहा है उसको रिबन कहते हैं। अब कोई मेनू बार आपको शोर नहीं हो रहा है, जैसे कि आपके सिस्टम में देखेगा डेवलपर टाइम नहीं होगा, तो ये अनचेक्ड होता है बाय डिफॉल्ट, वो चेक कर लीजिए। या किसी मेनू बार को हटाना है चाहते कि मुझे पेज लेआउट का मेनू बार नहीं दिखना चाहिए तो अनचेक कर दीजिए, नहीं दिखेगा। या आप चाहते हो खुद के न्यू मेनू बार बनाना, जैसे कि आप जो है मुझसे से 20 या 25 ऑप्शन को यूज करते हो और 20 25 ऑप्शन डिफरेंट डिफरेंट मेनू बार में है, आपको डिफरेंट डिफरेंट मेनू बार में मूव होना होता है, तो आपने एक न्यू टैब बनाया उसका नाम ऑल दे दिया और सारे फीचर को सिलेक्ट किए और ऐड कर दिए। अब यहाँ पे एक चीज और भी होती है जो मेनू बार, यहाँ पे अगर आप पॉपुलर कमांड को यहाँ पे देखेंगे कमांड नॉट इन रिबन, ये सारे कमांड ऐसे हैं जो कि रिबन में डायरेक्टली नहीं है, तो कई केसेस में आपको ऐसा लगता है कि फीचर्स में जो अवेलेबल है तो सिलेक्ट करके आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वहां पे आ जाएगा। लेकिन डायरेक्ट जिस टाइप में ऐड करना चाहते हो उस टाइप को सिलेक्ट कीजिए, न्यू ग्रुप करके एक नया ग्रुप बनाइए, देन ऐड कीजिए। जैसे कि आप देखोगे कि मैंने ऐड कर रखा है, ये देखिए फॉर्म लॉन्च, ये दो चीजें हमारे लिए नहीं है। उसी तरीके से आप डेटा मेनू बार में देखेंगे सोलवर फोरकास्ट, ये चीजें हमने ऐड कर रखी है, इस तरह से आप इसको ऐड कर। उसके अलावा यहाँ ऊपर जो दिख रहा है आपको सर ना, ये क्विक एक्सेस टूल बार कहा जाता है, इससे कोई भी चीजें ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने ऑल बॉर्डर को ऐड कर लिया है, माइक्रो को ऐड कर लिया, अब इसको रिमूव भी कर सकता हूँ। इससे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए मुझे बॉर्डर अप्लाई करना है तो मैं इसी पे क्लिक करके अप्लाई करूँ, या फिर मैं जैसे ऑल्ट की प्रेस करूंगा यहाँ पे एक नंबर आ जाएगा, नंबर 5 आ गया, मैं बस 5 को प्रेस करूंगा और मेरा अप्लाई हो गया, इससे एक नया शॉर्टकट बन गया अल्ट 5। तो मोस्ट यूजेज अगर आपके पास 3-4 कमांड है तो यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं। इससे कैसे करेंगे, एक्सेल ऑप्शन में आएंगे और एक्सेल ऑप्शन में आपको यहाँ दिखेगा क्विक एक्सेस टूल बार। हम बात करते हैं एडमिन की, तो आपके सिस्टम में देखिए आपके सिस्टम में पावर पिवट नहीं होगा, आपके सिस्टम में देखेंगे तो फोरकास्ट वाटर फोरकास्ट नहीं होगा। तो बेसिकली कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि एडिट के शक्ल में है, तो यहाँ से कॉम एडिट को सेलेक्ट करके गो पे जाइएगा तो देखिए यहाँ पे है ये स्टीमर फॉर एग्जेटर, स्टीमर फॉर एक्सेल, मैथ, पावर बी आई, पिवट टेबल कनेक्टर, टैब्लो, पावर पिवट, पावर पिवट कनेक्टर, ये चीजें जो है नहीं है, हम तो सेलेक्ट करके ओके करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर क्लिक नहीं होगा, आप क्लिक करके सेलेक्ट करके ओके कीजिएगा तब जाके नया टैब आपको यहाँ पे आएगा। इसके अलावा मान लीजिए किसी ने किसी को आपको बोला कि भाई मेरे लिए एक बिजली के थ्रू एक टूल्स बना दो, तो जो टूल्स बनाएगा वो आपको जो भेजेगा वो एडिन फाइल में भेजेगा, तो एडिन में जाके उसको आपको ऐड करना पड़ेगा ब्राउज करके। जैसे मैंने यहाँ पे एस एल सी, एस एन, एक्सेस पासवर्ड रिमूवर, ऐसे को ऐड कर रखा है। तो ये चीजें पे हम आगे भी आपके साथ डिस्कस करें। तो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया एक्सेल ऑप्शन की सेटिंग्स को, अब आप जो है इस सेटिंग से एक बार एनालाइज कर लीजिए और देखिए कि कौन सी सेटिंग आपके लिए बेनिफिशियल है। तो ध्यान रखिएगा कोई सेटिंग के बारे में जब पता ना हो तो उसको चेंज करना मत कीजिए, वरना आपका फिर से वापस अनचेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, ठीक है सर। और दूसरी चीज जो एप्लीकेशन में सेटिंग चेंज हमने चेंज किया, हमने यहाँ ऑप्शन में जाके वो किसी एक पर्टिकुलर फाइल के लिए नहीं हुआ, ओवरऑल एप्लीकेशन के लिए हुआ। तो आज इसकी प्रैक्टिस आप लोग करें, अगली क्लास से हम आपके साथ डिस्कस करेंगे फाइल मेनू बार। फाइल मेनू बार खत्म हो चुका है, होम मेनू बार, और अगला जो क्लास का टॉपिक हमारा है वो पेज स्पेशल एंड एडवांस पेज स्पेशल का होगा। प्रैक्टिस करते समय किसी तरह का डाउट या क्वेश्चन होगा तो मुझे कॉल कर लीजिएगा, व्हाट्सएप कर लीजिएगा। थैंक यू।